Now we will see prevention and control of subsidence, or underground precaution against subsidence, or underground methods of subsidence control. ये किसी भी इन तीन में से किसी भी नाम पे आए छोड़िएगा मत, लिखिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है? चाहे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सब्सिडेंस के नाम पे आए, अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट सब्सिडेंस, अंडरग्राउंड मेथड ऑफ सब्सिडेंस कंट्रोल. अभी जो हम देख रहे हैं अंडरग्राउंड मेथड्स देख रहे हैं, सरफेस पे भी करना है, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो तो सरफेस पे है, ठीक है? तो दो तरीके है सब्सिडेंस को टेकल करने के, एक अंडरग्राउंड मेथड है और एक सरफेस मेथड है. सरफेस मेथड का भी हम वीडियो भेजेंगे, लेकिन जो कुछ होना है सरफेस पे होना है, ठीक है? लेकिन हो रहा किसके चलते? अंडरग्राउंड माइनिंग के चलते. तो यदि हम अंडरग्राउंड माइनिंग को ही ठीक ठाक कर ले तो जहां सब कुछ होने वाला है वहां कुछ हो नहीं होगा, ठीक है ना? इसीलिए इस पे ज्यादा स्ट्रेस रहता है, ठीक है? तो हम आप लोग को एक अभी वीडियो भेजे हैं जिसमें था ना माइनिंग मेथड्स अंडर नीथ सरफेस फीचर्स, जिसमें दिखाए थे कि नो सब्सिडेंस, रिड्यूस सब्सिडेंस और फुल सब्सिडेंस, ऐसा दिखाए थे. उसमें क्या था, नो सब्सिडेंस में आपका कौन सा मेथड बताए थे हम, वर्किंग विद सेफ्टी पिलर, ठीक है ना? और वहां पे लेक्चर भी दिए हैं दो चार मिनट का, उसको बहुत बढ़िया सुनिएगा. हम ये बताने के लिए, इसके लिए आपको तैयार करने के लिए वो वीडियो भेजे हैं, उसको पहले देखिएगा तब इसको देखिएगा. उसके बाद रिड्यूस्ड सब्सिडेंस के लिए बताए थे दो मेथड, एक हम क्या बताए थे, पार्शियल एक्सटेंशन कई तरीके से करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो ज्यादा एडॉप्टेड है उसको हम बताए, एक वाइड स्टॉल मेथड और एक स्प्लिटिंग एंड स्टुकिंग, ठीक है? ये हुआ पार्शियल में. और एक स्टोइंग बताए थे आपका रिड्यूस सब्सिडेंस, रिड्यूस में दो ही मेथड बताए थे, एक स्टोइंग और पार्शियल एक्सट्रैक्शन. उसके बाद बताए थे फुल सब्सिडेंस जहां होने की संभावना है तो हम क्या करेंगे, जैसे लांगवाल माइनिंग करते तो लांगवाल पढ़ाए थे, लांगवाल में क्या बताए थे कि फुल सब्सिडेंस, मोर एंड फुल सब्सिडेंस, ठीक है? सब्सिडेंस वहां बहुत ज्यादा होता है, बोर्ड एंड पिलर में कम होता है. तो फुल सब्सिडेंस होगा तो सब्सिडेंस तो हमको होने नहीं देना है सरफेस पर, क्योंकि सरफेस फीचर्स है उनको प्रोटेक्ट करना है. तो हम माइनिंग ऑपरेशन के सीक्वेंस को इस तरीके से करते हैं कि हमारा सरफेस फीचर बच जाए. उसके लिए दो मेथड बताए थे, एक हार्मोनिक माइनिंग मेथड जिसको कंपेंसेटरी स्ट्रेन मेथड बोलते हैं, और एक है आपका सुपर क्रिटिकल एक्सकवेशन या सुपर क्रिटिकल पैनल. यही तो लिखे है यहाँ पे, अब कुछ थोड़ी लिखा है, ठीक है? तो हम वन बाय वन एक एक मेथड को देखेंगे. हम अभी देखेंगे वर्किंग विथ सेफ्टी पिलर्स, ठीक है? हम ये मेथड को बताने के लिए पहले हम बता दें, दुनिया में बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं इस पर, सेफ्टी पिलर्स पर, इसलिए कि इसके चलते बहुत सा कोयला अंडरग्राउंड में लॉक्ड हो गया, जो कि हमेशा के लिए लॉक्ड हो गया पूरी दुनिया से, ठीक है? इंडिया में भी हुआ है. ये सेफ्टी पिलर्स क्या है? सेफ्टी पिलर्स कुछ नहीं है, सॉलिड कोल पिलर्स है. सेफ्टी पिलर्स किसको बोलते हैं? सॉलिड कोल पिलर्स को. सेफ्टी पिलर इज अ सॉलिड कोल पिलर्स. और ये जो मेथड है, ठीक है, अब हम इसका कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव मेथड है. काहे के लिए? सब्सिडेंस को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ सब्सिडेंस का ये सबसे बेटर इफेक्टिव मेथड है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, हम करते क्या है, कुछ इसमें एक ही काम करते हैं कि हम डेवलपमेंट किया, गैलरी बनाते समय जो कोयला मिला मिला, और जो पिलर बना उसको वैसे का वैसे ही छोड़ते, अनवर्क या अनटच्ड छोड़ देते हैं. इतना ही लिखना है जितना हम दो चार बात बोले हैं. ये क्या हुआ, वर्किंग विथ सेफ्टी पिलर्स. नंबर दो देखते हैं. नंबर दो क्या था आपका, पार्शियल एक्सट्रैक्शन.
सबका पीडीएफ भेज रहे, टेंशन मत लीजिएगा। पार्शियल ई एक्सटी लिख दे रहा, समझ जाएगा एक्सट्रैक्शन है। पार्शियल एक्सट्रैक्शन जब भी बोला जाता है तो उसमें कई वेरिएंट होते हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा प्रचलित वेरिएंट है स्प्लिटिंग एंड स्टुकिंग, ठीक है। और एक और क्या बताए थे, वाइड स्टोर मेथड। तो पार्शियल एक्सट्रैक्शन हम दो तरीके से करते हैं, एक वाइड स्टॉल मेथड के तरीके से, ठीक है, और दूसरा है स्प्लिटिंग एंड स्टुकिंग। स्प्लिटिंग एंड स्टुकिंग, ठीक है। वाइड स्टॉल मेथड का हम वीडियो भेजे हैं आपको, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। हम यहां पे जब आप लिखिएगा दो या तीन लाइन लिखिएगा कि वाइड स्टॉल मेथड यूज्ड अंडर छरिया टाउन इन इंडिया, ओके। वाइट इन वाइट स्टॉल मेथड वाइट गैलरीज आर फॉर्म्ड एंड द पिलर लेफ्ट इंटैक्ट अराउंड द पिलर्स स्टॉल्स आर फॉर्म्ड। इतना ही लिख के यहां पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत लंबा ना लिखना है यहां पे। लेकिन जो वाइट स्टॉल मेथड का आपको शॉर्ट नोट आएगा वहां पे पूरा लिखेगा, जितना बताए कि रिकवरी 45% होता है, फैक्ट ऑफ सेफ्टी 1.1 होता है, उसका एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है, ठीक है। हम भेजे इसका वीडियो देखिएगा, दो तीन लाइन यहां लिख देंगे। स्प्लिटिंग एंड स्टुकिंग बहुत सारा बुक में सब इतना ही बताता है, स्प्लिटिंग एंड स्टुकिंग ही बोलता है पार्शियल एक्सट्रैक्शन को। इसमें क्या करते हैं, हम जो डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट कर दिया तो गैलरीज बन गए, पिलर बन गए, उस पिलर को स्प्लिट कर देते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, हम स्प्लिट करके छोड़ देते, स्प्लिट करके छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, स्टुक बनेंगे, और वो स्टुक को परमानेंट सपोर्ट के लिए छोड़ देते, ताकि पैनल का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे क्या पैदा होता, बताए थे टेंसाइल स्ट्रेन और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन सरफेस पर पैदा होता है, उस वो नहीं पैदा होगा या कम पैदा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पार्शियल एक्सट्रैक्शन। थर्ड क्या बताए थे भैया, हार्मोनिक माइनिंग। हार्मोनिक माइनिंग या हार्मोनिक माइनिंग और हार्मोनिक एक्सट्रैक्शन, इसका भी हम बढ़िया सा बड़ा सा वीडियो भेजे हैं, जिसमें क्या क्या बताना है, इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, मेथड के बारे में थोड़ा सा दो लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन का फिगर पक्का बनाइएगा, ठीक है। बताए थे ना हार्मोनिक माइनिंग में एक लोअर सीम, फिर अपर सीम, ठीक है, और अपर सीम का जो टेंसाइल स्ट्रेन होगा वो लोअर सीम के कंप्रेसिव स्ट्रेन को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो नेट रिजल्ट जीरो हो गया, मतलब स्ट्रेन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कॉम्पेंसेटेड स्ट्रेन मेथड, एक फेस से पैदा हुआ स्ट्रेन, एक सीम से पैदा हुआ स्ट्रेन को दूसरे पैनल से पैदा हुआ स्ट्रेन द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है, हार्मोनिक माइनिंग मेथड में। ये लिख दीजिएगा। इसके बाद चौथा क्या था आपका, स्टोविंग। स्टोविंग के कई नाम है, स्टोविंग बोलता है कोई, गोप पैकिंग बोलता है कोई, बैक फिलिंग बोलता है। बैक फिलिंग जनरली इस्तेमाल होता है ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में भी स्टोविंग के लिए बैक फिलिंग वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्टोविंग में क्या करते हैं, हम जो कोल निकालने से जो वॉइड बना, जिसको हम क्या बोलते हैं गोप, उस गोप में सेंड या अदर इनकम्बस्टिबल मटेरियल को फिल कर देते हैं। भैया तो जहां से आपने निकाला था वहां फिर भर दिया तो वहां पे रूप, जो गोप का रूप है उसमें मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट नहीं होगा वहां पर तो सरफेस पर आपका जो स्ट्रेन पैदा होने वाला है वो रिड्यूस्ड वे में रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसीलिए जो है स्टोविंग, हम बताए थे वहां पे माइनिंग मेथड में क्या बताए थे कि ये रिड्यूस्ड सब्सिडेंस के कैटेगरी में आता है स्टोविंग ऑफ पार्शियल एक्सट्रैक्शन। क्योंकि आपने पहले कोयला तो निकाला ना, कोयला निकाला और आपने स्टोविंग तत्काल ही ना भर दिया, एक दिन दो दिन चार दिन के बाद भरा होगा, तो उतना जो समय लगा उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन वहां ऊपर पैदा हुआ होगा ना सरफेस पर,
इसलिए रिड्यूस है, जीरो में नहीं है, लेकिन स्टोइंग करने से सब्सिडेंस नहीं के बराबर होता है। ठीक है, इतना ही लिख देना है इसमें। इसके बाद पांचवा मेथड क्या था आपका, पांचवा मेथड था सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन, सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन। हम बोर्ड पे इसे लिख रहे, हमको लिखने में जितना समय लगता है उससे कम टाइम में हम बोल के वीडियो बना देते हैं, टाइम रहता नहीं है इसलिए लिखे नहीं है। जहां बहुत जरूरी रहेगा आप लोग के लिए वहां पे हम उस दिन पक्का लिखेंगे, ये दिमाग में रखेगा, पीडीएफ भेज रहा हूं। सुपर क्रिटिकल एक्सकर्शन, जब भी सुपर क्रिटिकल एक्सकर्वेशन रहेगा फुल सब्सिडेंस होगा, तो फुल सब्सिडेंस होगा तो सरफेस फीचर्स को बचाना ना है तो कोई तरीका निकालना होगा। हम सिक्वेंस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन को उस टाइप से डिजाइन करेंगे, प्लान करेंगे कि मेरा सरफेस फीचर्स बच जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी है वो पहले बता देते हैं। सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन का मिडिल पोर्शन जो होगा वो स्ट्रेन फ्री रहता है। क्या रहता है, स्ट्रेन फ्री रहता है। तो जब मिडिल स्ट्रेन फ्री है तो हम इसी का फायदा उठाते हैं और जो भी सरफेस स्ट्रक्चर जिसको प्रोटेक्ट करना है, द सरफेस स्ट्रक्चर टू बी प्रोटेक्टेड, जिसको प्रोटेक्ट करना है, दैट शुड बी लोकेटेड आर पोजिशन एट द मिडिल ऑफ द सब्सिडेंस ट्रफ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो कैसे सुपर क्रिटिकल एक्सकवेशन बनाएंगे ये भी ना बात है, यहां तक का तो सब ठीक समझ आ गया। बनाएंगे कैसे सुपर क्रिटिकल एक्सकवेशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन बाउंड्री लेते, क्या करते हैं, कॉमन बाउंड्री लेते हैं। ठीक है, और कॉमन बाउंड्री से दो लॉन्ग वॉल फेस चलाते, एडवांसिंग दो लॉन्ग वॉल फेस रिवर्स डायरेक्शन में चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे तो उनका जो इन्फ्लुएंस जोन होगा सब्सिडेंस का, उसका जो मिडिल होगा उसमें क्या होगा, स्ट्रेन फ्री हो जाएगा। ठीक है, यह है सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन। तो आपका सब्सिडेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कंप्लीट हुआ। इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा, माइनिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी चीज है, ना कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, बल्कि अब जब भविष्य में माइनिंग इंजीनियर बन के फील्ड में सर्विस देंगे तब आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, हम कोशिश किए बहुत सिंपल भाषा में समझाने का, अब लेमेन भाषा में समझाने लग जाएंगे कि सब्सिडेंस क्या होता है। कोयला निकाला अंडरग्राउंड से तो जमीन धस गया, वो सब बोलने से भी काम नहीं चलेगा, फिर उसी टाइप का आपको याद रहेगा, टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करना होगा। ठीक है।